मेरे भाई इतनी बस की बात, इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं चार को नौकरी दिला दूं। संख्या बल मायना रखेगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए 10-10 साल पुराना रिजल्ट आज भी राजस्थान गवर्नमेंट की फाइल बैक होके अलमारी और रद्दी पड़ा हुआ है, पता है ना। बच्चे ने उम्मीद ही छोड़ दी भाई साहब, ऐसे ऐसी हालात है। आप लोग चलो, अपन ने तो हफ्ता उस पर लगे, परसेंटेज बेंच पर लगे थे, बगल में अपने टीचर लोग भाई थे, ये पता है ना, टेस्ट पास किया और उस टेस्ट पास करने के बाद फिर वेरिफिकेशन और सब कुछ हुआ, ज्वाइनिंग लिस्ट रोक के पटक दी, मतलब आदो दे दिया, रोक दिया, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। और टेंट की व्यवस्था भाई लोग जा रहे हैं, टेंट भी आ रहे हैं, नीचे बिछाने की भी आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था तो है और खाना पीने की व्यवस्था भी करेंगे, तुम चिंता ना करें। अब बार बार हम अगर आपसे एक ही चीज को बोले भाइयों रुक जाओ, भाइयों रुक जाओ, तो भाई मेरे एकले को तो नौकरी चाहिए नहीं कि आपके बैठने से मुझे नौकरी मिल जाए, समझ तो मेरे भाई अभी चले जाओ, मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, और मैं तो खाई मूंगफली की दुकान चला लूंगा, वहां भी भीड़ बुला लूंगा, मेरे में तो आता है भीड़ बुलाना, कैसे बुलाई जाती है, कैसे रुपया लेता है। तो मेरे भाई सब अपने हक के लिए, पता है कि कोई भाई सवाई माधोपुर से, कोई जैसलमेर से, कोई बाड़मेर से, कोई कहां से है, अब इस बात को यार बोलो हम तो धीरे धीरे निकल लेंगे, तो क्या हुआ, बाढ़ में निकल लिए ना, बार बार अपन को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, हर चीज का सामना करना पड़ रहा है, सब लोग तप रहे हैं भाई, पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही भाई, आपको पता है ना, पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, राजस्थान का सीटी का रिजल्ट आया था उसमें धज्जियां उड़ा दी बच्चों की, ये हकीकत की बात है, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती ऐसा हो। और अपने तो बीजेपी वालों ने खुद ने वादा किया, प्रत्येक मंत्री ने वादा किया, प्रत्येक सबका ड्यूट अपने पास में, कोई कब लगा लो किरोड़लाल जी को पर लगा लो भाई, अपना तो लीडर किरोड़लाल मिला ही है ना, आज उससे जाके बोल सकते हैं ना, बाबा आपने धरना दिया, आप हमारे साथ भूखे प्यासे रहे, लाठियां खाई या नहीं खाई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, सही है ना। हम आपको बार बार बताए कि हम सीएच है, तो आप तो नाम से जानने लगे हमको, आ जाओ भाई सीएच है, तो भाई ये तो बात सही है ना भाई, आपको पता होना चाहिए, जब वो मैटर हुआ था बिहार वाला मैटर हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, हम सीएच है, स्वास्थ्य कामना करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे हम राकेश वगैरह, कि बाबा हम सीएच है, बोलो चिंता मत करो, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे है, लेकिन मेरी सरकार आने दो, जब मेरे हाथ में कागज होगा तभी सब कुछ होगा, और तुम सोच रहे कि मैं बैठा बैठा सब कुछ कर दो, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों मेरे भाई, कि आप रोड लाल को दिखा के चेहरा चले गए, पर नौकरी तो उसके भी छोरा छोरी नहीं है, कोई भी ध्यान रखना, वो भी नहीं चाहता वैकेंसी आए गवर्नमेंट में, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, सब अपने हक के लिए आए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए, एक आदमी लड़ाई कभी नहीं सकता, आपका परिवार 5 आदमी, एक आदमी कमाने वाला है, चार खाने वाला है, रबी भर भी कोई परिवार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना भाई, सबको कमाना पड़ेगा तब परिवार चलेगा। तो भाई देख लो, आप जो आपके टेंट की व्यवस्था हो रही है, सोने पानी की व्यवस्था हो रही है, और भी करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आज एग्जाम के पीछे से सभी डाइवर्ट, क्यों मेरे बेचारा दौड़ से आया, कोई खांस से आया, गल्ला ऐसे भी है, गल्ला हमारे पास कल फोन कर रहे थे भाई साहब आप आगे, मैंने भाई मैं तो सबसे पहले आता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो देख नौकरी चाहिए, देख मैं तो मेरी आत्मा को लाऊं, ठीक है ना, मुझे कोई चीज से जरूरत नहीं है, मैं जो मंत्रियों की गुलामी कर रहा हूँ सिर्फ मेरी नौकरी के लिए गुलामी कर रहा हूँ, वरना मैं क्या गुलामी करूंगा भाई, ठीक है ना। आप अगर निश्चिंत है, अगर आप ये सोचे कि हम ट्विटर ट्रेंड कर देंगे, ट्विटर पर डाल देंगे, किसी मंत्री विधायक के बारे में डाल देंगे, दुनिया उनको देखती है, अरे कोई नहीं देखा, करती है, सचिन पायलट के घरवाली छोड़ के चली गई, क्या कर लिया सचिन पायलट के पास जाते थे हमेशा यही बात बोल देता है, मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, हमको हकीकत का पता ये लगा ना, सारा पायलट जी छोड़ के चली गई, जब वही उसकी नहीं ऐसी सरकार कहां हो सकती है भाई, तब तो बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि उसको सचिन पायलट साहब को, आप भी अकेले हम भी अकेले, हम सही मार्ग पर, आप सिविल लाइन में जब आपको भी एहसास हुआ ना सहारा ने छोड़ा, तो इसमें तो आपका गल्लाओं का रिश्ता टूटा है भाई, सगाइयां हो गई थी, शादी की तैयारी वो लड़के ने मना कर दिया, वो बेइज्जती तुम्हारी हुई थी और किसी की नहीं हुई थी, तो उस दिन को याद करो, उस दिन वो क्या कह के गई थी कि आपके पास रोजगार नहीं है, ये बोल के गई थी आपसे, वो पता है ना। और आज आप पीछे कदम हटा रहे हैं, तो भैया मैं तो देख साफ बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो ये लास्ट आंदोलन होगा, मैंने तो बोल दिया, आगे मैं किसी भी आंदोलन सहयोग नहीं करूंगा और ना मैं आऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है, खान तक भागे भाई, सही है ना भाई, कल के डोल रहे रात की 2 बजे जाके, और फिर सोए थे, उसके बाद में सोए ना भी कहा हुआ, यहाँ से बैठे बैठे गाड़ी में निकाल दी रात को, हमें सोचते हैं यार भाई हमारे भाई आएंगे, और जो भी आया है रात को मैं सबसे मिला हूँ, भाई मिला कि नहीं मिला, तो ऐसी बात है यार, भूख हमें भी लगती है तो आपको भी लगती है, हम इतना पैसा वाला तो हमारे माँ बाप भी नहीं है, हमको डेली वो पैसा दे भाई, तुम इतना ट्रांजेक्शन करो और आराम धरना दो, हम धरना लो जी कहीं नहीं, तो यार आप भी समझदार हो भाई, बार बार कोई भी आपको लीडर बोल रहा है, मैं बोलूँ या कोई मेरा भाई बोल रहा है, तो ये गलत बातें होती है कि आपको एक ही बात दोहरानी पड़े, अगर आपको आपके परिवार की फिक्र नहीं है
इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में जनसंख्या में आपका नाम है, दुख आपको रगत हो जा, फिर रति भर फर्क नहीं पड़ता, आप जनसंख्या ला की रहे रखना। इसलिए जनसंख्या मत बनो कभी भी, ध्यान रखना, कुछ करो यार, जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी है। और ये तो याद रखना, शांति से बैठना। आपको पता है हाईवे जाम कर दिया, ये हाईवे जाम कर दिया, ये रोड जाम हुआ था, यहाँ पे बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस की आगे खोलती थी, पता है ना आपको सब कुछ। इतना करने के बाद भी सरकार कांग्रेस नहीं झुकी ना, बीजेपी तो ऑटोमेटिक झुक गई। बीजेपी ने तो आगे से ट्वीट किया है, किसी भी मंत्री के टोट ले लो, आपके मोबाइल में पड़े, आपके मोबाइल में आपके फोटो से ज्यादा तो इन मंत्रियों के ट्वीटों के फोटो पड़े, उठा कर देख लो किसी सीएचए का। भाई ये बात सत्य है ना, तो खुद कानून में आ चुके हैं कि हम नौकरी देंगे, तो आप लेने से इनकार क्यों कर रहे हो मेरे भाई, आप लेने से इनकार कर रहे हो। ये तो इसका मतलब है कि आई दुल्हन को गेट पे से वापस भेजना, ये आपकी गलती है क्या मेरे भाई। आप संघर्ष करोगे तो दोस्तों सब कुछ, मैं तो मानता हूँ कि संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, और जिसने संघर्ष किया तो भाई उसका संघर्ष की सफलता उसको मिलती भी है। कहते ना कि एक मेरा दोस्त है आपका सीएचए, मैं उससे बार बार समझता रहता हूँ, मुझे वो समझाता रहता है, वो एक ही बात कहता है कि संघर्ष करने वाले कभी कोई हार नहीं होती, नहीं होती ना मेरे भाई, संघर्ष करो। 2 साल हो गए यार, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ राजस्थान में, 2 साल में लंबा धरना दे दे, अगर कोई पैदा हुआ है तो आप लोग हुए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। 12 दिन अगर कोई बैठा हो ना, एक अशोक गहलोत खुद 12 दिन दोस्त जयपुर में नहीं बैठ सकता, ये भी बरबर टूट जाते रहते, कभी दिल्ली, कभी गोवा, कभी लखनऊ, कभी चंडीगढ़, 12 दिन एक मंत्री नहीं बैठ सकता, जिसमें आप लोग बैठे थे, बैठे थे ना भाई, वो रिकॉर्ड आपके नाम से चल रहे हैं। आज भी कोई बोलता है ना, बोलो सीएचए का आंदोलन हुआ था, 12 दिन याद करते हैं, क्यों? आपके कर्मों की वजह से। आने वाले बहन भाई यहाँ जब बैठ जाते हैं, जब लोग कहते हैं यार सीएचए ने 12 दिन धरना दिया, उनको कुछ नहीं मिला, तो अपन को 2 दिन में क्या मिलेगा, उठ के आप ही घरे चल जाते हैं बेचारे, क्या करे। और उनको सीएचए कुछ नहीं मिला तो हमें कौन सा ही मिलेगा, तो वो चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। आपको तो सब मंत्री आपके, करोड़ीलाल जी को लगा लो, किसी को लगा लो ना, और हमारा कोई मंत्री है नहीं, हम करोड़ीलाल को यहाँ बुला लेंगे, हमें ताकत होनी चाहिए क्या मेरे भाई। कहते हैं बाबा आजा, आरएस का एग्जाम, वो आरएस की एग्जाम को पीछे करवाने के लिए करोड़ीलाल लड़ना पहुंच देना, क्योंकि करोड़ीलाल जी ने खुद ने उसके मुंह से इस शब्द को ट्वीट किया था कि मैं आरएस वाले विद्यार्थियों का एग्जाम को पीछे पाऊंगा। बल्कि आपको पता है कि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे थे, लेकिन आखिरकार उस बंदे ने जिद की और वो काम हुआ था ना मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अपने तो करोड़ीलाल जी से बोलेंगे बाबा शहीद स्मारक पर बैठे आ जा, वो जगह पर आए थे ना बाबा, आए थे कि नहीं आए थे, भाषण दिया था ना भाई, भागरोटा में वहां पर गए थे ना आंदोलन भाई, राहुल गांधी रोका था ना भाई, सब जगह पर साथ थे ना भाई, अब आप पीछे हट सकता है क्या, नहीं हट सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ वो उसका कोई छोरा छोरी का तो सीएच है नहीं। तो आप आपके हक के लिए तैयार रहिए साथियों, लड़ाई लड़िए और एकता के साथ बरकरार बना रहो। हेमराज जी, और भरतपुर का कोई भाई है क्या यहाँ से, भरतपुर का कोई भाई है यहाँ, हाँ भरतपुर के भाई भी है, हाँ है, मुझे पता है भाई साहब। और मुख्यमंत्री तो हमारे साइड का ही है भजन लाल जी, टेंशन मत करना, करोड़ीलाल जी इधर का ही है, दोनों इस बहुत नॉर्मल इंसान है। गहलोत जी का तो ईगो खत्म ही नहीं हुआ था भाई साहब, नहीं हुआ था ना भाई, वो तो ये कहता था कि मेरे पास आने की जरूरत क्या है तुमको, आपके अपने सीएचए साथ माथे पे हाथ रखे कसम खा गया था वो इंसान, पता किसका सगा हो सकता है। लेकिन आज विधानसभा में घुसने से पहले 3 बार शर्माता है, यही बात हुई थी ना, हालत ना चुके कांग्रेस की वर्तमान में। और मैं तो कहता हूँ संकल्प लेके जाना, कभी कांग्रेस को जिंदगी में वोट मत देना, हाथ खड़ा करके बताओ आप कांग्रेस को वोट देंगे क्या, कभी जिंदगी में कांग्रेस को वोट मत देना, हाथ खड़ा करके बता दो, क्योंकि यहाँ सीआईडी वाले सीबीआई सब है मेरे भाई, हम कांग्रेस को वोट हम तो देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे, कांग्रेस ने हमको बेरोजगार किया था, क्या नहीं किया भाई, इस चीज को विशेष का ध्यान रखना है। और कोई भाई अगर इसको बोलना चाहता है तो आप लोग बोल सकता है, आपका सबका ही है ये, तो मेरा पर्टिकुलर है नहीं भाई, मैं ही माइक पर बोलूं, तो कोई भाई अगर बोलना चाहता है तो बोल सकता है, कोई भी भाई हो।